प्रेमी सजनों, एक गांव के मायने कवे एक ढोकरी कभी उदाहरण देवे के बा आपकी उम्र में कदे ही कोई सत्संग के भजना के सांकड़ी को निगेड़ी 70 साल की उम्र पाली और काम का ही क्रिया करती रेवड़ चराबा को 70 लल्डी राग थी लापड़ती लांबा पूंछ की चौकी नस्ल की गुजरात आली आ नस्ल हुए अलग अलग गांव के बीचों बीच लिखने ओड़ी चोड़ी उर के मारकन 70 लल्डी है और गांव का अंगन क्यों कोनी बीके ई चीज को घमंड कार्तिक को महीनो आएगो गांव की लुगाई ठाकुर जी का मंदिर में जावे प्रेमी सजरो सत्संग करे ले लिये सत्संग की बाप प्रसादी राप आपके घर आवे सुबह सुबह अठिनू डोकरी रेवड़ लेर सामी मिल जाए गुआड़ में बंद जब लुगाया मन में विचार करियो के आ हीरो सो जन्म गमा दियो इन भी आप सत्संग करवावा काती नुआवा नी आगला जन्म में कहीं कर सी भी डोकरी के चारू मेरे में 5-4 लुगाया भेड़ी उर के बा लगी डोकरा सारी उम्र रेवड़ चरावा में गमा दी थे भी सत्संग करवो करो डोकरी बोलो थाके ढालिया मुलियांगे कोई काम तो है को नहीं अरे मारे तो श्याम का माड़ो रेवड़ दाब जाए इतना सत्संग करेड़ी सी उजाऊं तो थाकी थानी दारी जनी हुए आ केर डोकरी निकल जाए दूसरे दिन औरूबा की बात पे लुगाए तो औरू घेरो मना ले ये तूने हीरो सो जन्म गमा दी हो बदनामी ना बावड़ी सत्संग कर बोकर काती ना बोकर डोकरी झाड़ आएगी एक दिन क्योंकि सो बाठा बावजना कोई सार कोई सा की तकपी हुए डोकरी मन में विचार करियो रोजिना की रोजिना लारो पकड़ लियो एक दिन चाल रहना को हो रही हो मेटे में थोड़ो के आ सत्संग हुए किसी के श्याम का घर आई आपकी पोती ने बोली बेटा काल रेवड़ तू जाजे चरावा बोलियो क्यों दादी बोलियो मैं तो भाई गांव वाले लुगाए को थोड़ो हो रही हो मेट रहा बे कह काती को ना वो तो मैं तो रात ने सत्संग में जासू ना मारे नींद हो जैसी इलिए रेवड़ तू ले जाजे बोलियो ठीक है दादी कोई बात को नहीं जा ली तो काल काल ही दे हाँ तो बोलियो तन ठाकुर मैं अति निचली रेवड़ थोड़ी हूं काल काली जाशू अब प्रेमी सजनो काती ना वे जिकन कहे रात की 2 बजे ऊंट नानू पड़े दादी ना आया करती कोई 2-4 दिन को तावड़ा को मोको देख रहे ठंडा पानी को लोटो घेरे हो माथा पर जड़िया गड़गड़ाटिया चढ़गी मत्ताई कक्का और बार खड़ी बुले दूसती दूसती यार ठाकुर जड़ा मिंदर में विराजमान हुई सौ पहली अब धीरे धीरे गांव की लुगाया भेड़ी हुई पुजारी जी महाराज मंड में बैठिया प्रसाद बना रहा अच्छा लुगाए का भजन अलग हुए आगा सगड़ा सिस्टम ही अलग हुए ए कबीरदास जी का सूरदास जी का ए भजन को नहीं बोले लुगाया ए खुद का जोड़ेड़ा रखे अप जोड़िया बोले माने काई मांगू राम जी छोटी छोटी बात को ये घोड़ो मांगू ऊपर जीन बनात को बेट बड़ो शो मांगू जानू फूल गुलाब को वे चाहे कोयलाई खान को मैनेजर ही वो बड़े गीतंग माए ये लुगाया हवाई जहाज को पायलट बना दे मोटियार ने ए सिस्टम हुआ लुगाई का प्रेमी सजनो भी डोकरी तो बही को नहीं आवे मुंडा का नहीं देखे अभी की नजर पड़ी पुजारी जी महाराज के ऊपर एक लुगाई के खुणी लगार पूछे बोलियो आधी रात का अति लुगाई में एकलो आदमी कहीं करे थे यहां के लिए कहीं फैमिली बहुत हुए जब मैं गांव की लुगाई कह जी पुजारी जी महाराज है तो बोले महाराज तो कशाई हुए पर करे कहीं है जब गांव की लुगाई कहवे के ए आपनी खातर प्रसाद बना रहा है पंचामृत को बोले ओ कहीं हुए डोकरी दो कुंटा पंचामृत कन के पंच डब्बे कन के वे बोले इके मायने गाय की 5 चीजा मिलाई जाए बोले कौन कौन सी बोले जी गाय को गूंत है जना अड्डो हाथ दे दियो मुंडा का बोले आगली मत बता दिए मन कहे सत्संग मिटे डगाया का मुहूर्त पीपा वो कर दियो मारो रेवड़ खोटी अरे बड़बड़ाटा करवा लागी डोकरी प्रेमी सजनो जी ही सत्संग की आरती भी पुजारी जी महाराज एक एक तो तुलसा को पत्तोर वो पंचामृत मारता मारता आया तो कहे और लुगाया तो आदो तो पीवे और आदो आपका चूड़ा कर मांग के लगावे आपका सुहाग की लंबी उम्र कर बाकी खाता और लुगाया को नेम हुए लुगाई ने प्रसाद देवे ने ना चूड़ा कर मांग के लगावे मोटियार की लंबी उम्र हुआ है आदमी ने कशो प्रसाद दे दो खटाई को लगावे गए लुगाई की लंबी उम्र हो जाए अब और लुगाए तो एक काम करी डोकरी मन में विचार करे दे कि मैं गाय को मूत मिला डर किया सब भड़का ले सूख करगी डोकरी जय पुजारी जी महाराज ले पंचामृत करना आया तो कहे डोकरी पहले की लुगाए ऊन का दाबड़ा पेरिया करती बिके तो 70 लल्डी 3-3 का शेट रागती अगऊ जय पुजारी जी महाराज दियो पंचामृत न तो पियो न चूड़ा केर मांग के लगा ऊन वाला दाबड़ा रगड़ दियो रगड़ घर आएगी
अब सुबह सुबह वह पोती गई रेवड़ खोल बा, देखो तक पीवे। आगे एक लल्डी मरेड़ी पड़ी, लल्डी मरेड़ी देख रहे बा पोती रोबो चालू करे, हे सांवरा 70 लल्डिया को ना को टेमू टेम व्याती दो दो उन्निया लाती। अरबा लल्डी मरगी दादी तो सुनता ही प्राण त्याग देसी आज, क्योंकि लल्डी भूखी रह जाती तो नींद गोदिया डोगरी अब तो लगनी। अब पोती रोती देख रहे दादी पूछे बेटा रोवे क्यों है? पोती बोलियो दादी काई बताऊं क्यों रोऊं, मनिया लागे तू सुन सीजना तू तिरपाल बिछवाती लागे मन तो बेटा व्यो कहीं बता। बोलो दादी बा साऊ सात रोड़ी लल्डी ने चखी को थारो ज्यादा ही मन हो भी पर बा लल्डी मरगी अति सुनी र सुनता ही दादी नाच बो चालू करिए। जे गाली है घूमर बेटा बेजाई सात रो काम है लल्डी मर बाड़ो तो। बा पोती पूछे आपनी तो लल्डी मरगी मैं रो रो रहा क्या सुजाली, अर तू हसे है अर नाचे है कारण कहीं है दादी? बोलो मैं कौन है बेटा बहुत सात रो काम है लल्डी मर बाड़ो मर जा बदे जे आज वो पंचामृत मैं चूड़ा के मांग के लगा लू तो थड़ो दादो को निला दे मन आ तो उनकी तो लल्डी ऊन को दाबड़ो उनकी ऊन पर ही उतर गई उतर जा बदे और अपन जानू को नहीं है सत्संग में कदे ही भूल रही थे ही ध्यान राख जो बेटा ये कदे मत जा जो तो कहे इन की तक पीड़ा वे जगी तो सत्संग में जा को नहीं सके नहीं तो कदे पंचामृत ही कोई लल्डिया मरिया कर